थैंक यू वेरी मच। वाराणसी प्लीज वाराणसी प्लीज माइक टेस्ट कराएं, माइक माइक टेस्ट टेस्ट कराएं। कराए, माइक टेस्ट कराए। हेलो, इसके बनारस। हाँ हेलो, हाँ हेलो, इको आ रहे वाराणसी, इको आपने आ कुछ रहे अभी चेंज वाराणसी, आपने किया? कुछ अभी चेंज किया? हेलो, आवाज आ रही वाराणसी, है फ्रांसिस से? आ रही मुझे आवाज आ यस रही, आ लेकिन रही, मेरी मुझे आवाज आवाज आ वापस रही, आ लेकिन रही, मेरी आपने भी कुछ आवाज चेंज वापस आ किया? रही, आपने भी कुछ चेंज किया? नहीं, नो, अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया है ना। अभी आपका ये कैमरा हटा अभी हटा आपका था, ये उसको कैमरा आपने फिर हटा से लगाया गया, हुआ, उसको आपने अभी फिर तक से इको लगाया नहीं आ हुआ, रही थी। अभी तक इको नहीं आ रही थी। कैमरा सिर्फ दीप प्रज्वलन को कवर करने के लिए एक के लिए चेंज किया गया था। उसके आपने एक अलावा और रोटेट कोई करने के चेंज? बाद, आपने एक अभी इको, रोटेट करने अभी के तो हमने बाद टेस्ट किया, अभी कहीं को कुछ अभी नहीं तो हो हमने रहा। टेस्ट किया, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये कैमरे से नहीं है। अब जो भी आप इसको ठीक कीजिए, जो भी आपका आप अभी इसको ठीक कंप्लीट कीजिए, इको आपका है। अभी कंप्लीट इको। हेलो विकास जी, हेलो, सर लोगों को आगे भेजिए, कितना हाँ से मैंने भेजिए, बोला, कितना हाँ से हाँ भेजिए? यूनिट विकास बोलो, जी, हाँ यूनिट बोलो, सर मेरे को भी इको आ रहा सर है, आप मेरे ऐसा करिए सबके म्यूट कर दीजिए, बस स्टार्ट करने वाले हैं। बातें भी ठीक है, ये म्यूट ना कर देना, मैं म्यूट यही करके कराऊंगा, काम ये चला ना लेंगे। मैं यही हाँ, कराऊंगा, सबका म्यूट कर दीजिए। ओके, हाँ निकिता म्यूट कर सर आ जाए। ठीक है सर, हाँ ये सबका सबका मतलब मिनट टू मिनट सेंड कर हाँ दिया सर, हूँ, यूट्यूब का जैसे हाँ ही वो किसी करवा को दिया, एड्रेस करवा दिया, करेंगे म्यूट अब करवा दिया। वो हो जाएगा। अच्छा सुन, यूट्यूब का लिंक भेजा है, फेसबुक का लिंक कहाँ है? एक ही पे होगा, हाँ एक एक ही पे ओके होगा, माइक्रो दोनों मेरे को फ्रेश भेज जल्दी से। सभी यहाँ है नहीं ऑफिस में? नहीं है, यहीं पे है, लेने गए नहीं, ना इसके वाले ग्रुप में सर, गए पे होंगे। एस वाले ग्रुप में डाल दो, तो आने दो ना, दोनों आने नहीं, दो। एक मिनट रुक जाओ, मैं डाल दूंगा। एक तो ये है ना, हाँ ऊपर वाले एक ये है, दोनों फॉरवर्ड कर दो ना, पूरा फॉरवर्ड करना क्लिक करके, ये ये हाँ बस, बस तीनों है ना। फॉरवर्ड करो। नहीं, ये कई लोगों को करना है यार, अच्छा को करना और किसको करना है? अरे ग्रुप में डाल दिया, एस के इनोग्रेशन और डिस्ट इंडी वाले को भी डालना है ना, बरनाली को भी भेजना है। डिस्ट है तो सही, वो करेंगे, खुद वो कंट्रोल वो कर रहे हैं। माइक ऑन है, माइक ऑन है आई थिंक है ना, यहाँ पर भी शायद सारे ना भी।
मिली पहचान हर भारतीय को, जन जन करे आभार, एकजुट किए भारत के तंत्र, ऐसा अपना आधार। अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से आप सभी का आभार व अभिनंदन करता हूँ। वर्षों की उपलब्धि है आधार, बदलती जिंदगियां, बदलता भारत कर रहा है आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरंभ की गई डिजिटल यात्रा ने सशक्तिकरण, समावेश एवं डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है और इसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं में महसूस किया जा सकता है। इसी मार्गदर्शित पथ पर चलते हुए आज 4 आधार सेवा केंद्रों वाराणसी, गोंडा, सहारनपुर एवं मुरादाबाद का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं आदरणीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का आभार प्रकट करता हूं, जिनकी अध्यक्षता में आज के कार्यक्रम का आह्वान किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दिल्ली से आयोजित है तथा वाराणसी, गोंडा, सहारनपुर एवं मुरादाबाद में स्थानीय स्तर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा समारोह में प्रतिनिधित्व भी किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं श्री शैलेंद्र सिंह, उप महानिदेशक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुरोध करता हूं कि वे सभी गण्यमान्य अतिथियों का स्वागत करें। धन्यवाद। आधार के रूप में लोक की पहली विशिष्ट पहचान आईडी 29 दिसंबर 2010 को बनाई गई थी। अपने अस्तित्व के लगभग एक दशक में आधार ने अब तक 130 करोड़ से अधिक निवासियों को विशिष्ट डिजिटल पहचान के साथ सशक्त बनाया है। आज देश में कुल आधार परिपूर्णता 92.86% है। अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि वयस्क आबादी में आधार परिपूर्णता 99% से भी अधिक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश राज्य में भी समग्र आधार परिपूर्णता अब 90% से अधिक हो गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का हमेशा यह प्रयास रहा है कि न केवल आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं के भौगोलिक प्रसार को बढ़ाया जाए, बल्कि इन सेवाओं को अधिक निवासी अनुकूल और सुविधाजनक बनाया जाए। आधार सेवा केंद्र इस दिशा में UIDAI की एक और महत्वपूर्ण पहल है। UIDAI ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रबंधन के तहत देश के 122 शहरों में 166 आधार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि निवासियों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं के लिए सुरक्षित और पूर्ण अपॉइंटमेंट आधारित आरामदायक अनुभव प्रदान किया जा सके। ASK को सप्ताह के सभी 7 दिनों में अन्य सुविधाओं के अलावा उच्च सेवा क्षमता, वातानुकूलित प्रवेश, बैठने की व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक टोकन प्रणाली प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 5 ASK पहले से ही कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोंडा, सहारनपुर और मुरादाबाद में 4 और आधार सेवा केंद्रों के उद्घाटन के इस अवसर पर माननीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे लिए यह बहुत ही गौरव की बात है, जिनकी प्रेरणा से ASK परियोजना अग्रसर हो पा रही है। सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय श्री अजय प्रकाश साहनी जी, जिनके मार्गदर्शन में इस परियोजना का शुभारंभ हुआ, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण डॉक्टर सौरभ गर्ग जी, जिनकी अभिप्रेरणा और मजबूत नेतृत्व से ASK परियोजना अग्रसर होती है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ DDG UIDAI श्री आलोक शुक्ला जी और MeitY और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अन्य अधिकारी जो इस हाल में हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री सुरेंद्र नारायण जी और श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, इनके साथ ही मैं स्वागत करना चाहता हूँ मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए MLA श्री रितेश गुप्ता जी का, वाराणसी, गोंडा और सहारनपुर के VC के माध्यम से हमारे साथ सार्वजनिक गणमान्य व्यक्ति जुड़े हुए हैं। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं संबंधित ASKs में हमारे साथ मौजूद जिला अधिकारियों और राज्य सरकार के सभी अधिकारियों का भी स्वागत करता हूँ। मीडिया के प्रतिनिधियों और वाराणसी, गोंडा, मुरादाबाद और सहारनपुर के VC के माध्यम से जुड़े हमारे साथ अन्य सभी मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार फिर इस अवसर पर मैं सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद चैलेंज सर। विभिन्न दिशाओं में भारत ने बहुत बड़ा फासला तय किया है। हम सब जानते हैं कि आज आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ID प्रोजेक्ट बनकर विश्व में भारत का प्रतीक बन गया है। अब मैं
आधार पर एक शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं मीडिया टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे डिजिटल इंडिया पर पहल पर आधारित वीडियो चलाने का अनुरोध है। भैया बड़े काम का मैं आधार, मेरे फायदे हैं हजार, सबकी मैं पहचान हूँ, भारतीयता की शान हूँ। यूपी ने आधार अपनाया, एक नया मुकाम है पाया। राशन लो या गन्ना भुगतान, आधार से हुआ कितना आसान। कोई भी ऑनलाइन योजना बिना आधार के अब पूरी होना। यूपी का हो रहा है डिजिटाइजेशन, सशक्त बन रहा है अपना नेशन। युवा बच्चे बुजुर्ग और महिलाएं आधार से अनेक फायदे पाए। भैया बड़े काम का मैं आधार, मेरे फायदे हैं हजार, सबकी मैं पहचान हूँ, भारतीयता की शान हूँ। यूपी ने आधार अपनाया, एक नया मुकाम है पाया। बैंकर्स या सब्सिडी का पैसा, अब कोई काम न हो फर्जी जैसा। डिजिटल इंडिया के सारे सपने जुड़े हैं मुझसे सारे अपने। स्मार्ट गवर्नेंस में बेहद जरूरी, जवाबदेही रहती है पूरी। डिजिटल यूपी के बढ़ते कदम, सोच ईमानदार और काम में दम। भैया बड़े काम का मैं आधार, मेरे फायदे हैं हजार, सबकी मैं पहचान हूँ, भारतीयता की शान हूँ। एक नया मुकाम है पाया। गवर्नेंस में यूपी की शान, उमंग ऐप पर मिली पहचान। अब भ्रष्टाचार पे लगेगी लगाम, जब मेरा हाथ लिया है थाम। डीबीटी सब्सिडी में अपनाया, लाभार्थियों ने सीधा लाभ पाया। डिजिटल सशक्तिकरण की धार, पारदर्शी शासन का मैं आधार। भैया बड़े काम का मैं आधार, मेरे फायदे हैं हजार, सबकी मैं पहचान हूँ, भारतीयता की शान हूँ। यूपी ने आधार अपनाया, एक नया मुकाम है पाया। कार्यों में बेहद सुरक्षित, जुड़े आधार से सभी के हित। सबसे अलग बायोमेट्रिक निशान, अब मेरी जरूरत सबने मानी। यूपी में जन जन ने अपनाया, 21 करोड़ लोगों ने बनवाया। आधार सेवा केंद्र आओ, कोई भी गलती ठीक कराओ। भैया बड़े काम का मैं आधार, मेरे फायदे हैं हजार, सबकी मैं पहचान हूँ, भारतीयता की शान हूँ। यूपी ने आधार अपनाया, एक नया मुकाम है पाया। धन्यवाद भैया जी। मैं श्रीमती मृदुला जायसवाल, जो कि मेयर हैं वाराणसी, उनका स्वागत करता हूं और उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं डॉक्टर सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुरोध करता हूं कि वह इस शुभ अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजीव चंद्रशेखर महोदय, सचिव महोदय, हमारे चार यूपी के शहरों में उपस्थित वाराणसी, गोंडा, मुरादाबाद और सहारनपुर में विधायक महोदय, मेयर महोदय, अन्य विशिष्ट अतिथि माने जो उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं।
जैसे कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में करीब 21 करोड़ लोगों ने आधार बनवा चुके हैं, और जो अगर हम 18 वर्ष से ज़्यादा लोगों की वर्ष के आयु देखें, प्रायः 100% लोगों ने आधार बना चुके हैं, लेकिन तब भी अपडेट करने के लिए विभिन्न कार्यों के लिए उनको सुविधा की ज़रूरत होती है। हमारा इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर से कहीं भी जाके लोग कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि लोगों का चाहिदा रहता है कि वो कहीं अपने आप जाके भी ऐसा कर सकें। इसके लिए आधार सेवा केंद्र जो आज 4 उद्घाटन हो रहे हैं इन 4 शहरों में, उसके अलावा 5 हम शहर में ऑलरेडी कर चुके हैं, और मेरा यही आशा रहेगा कि जो प्रकार की सुविधाएं इन आधार सेवा केंद्रों में निवासियों ने ली हैं वो यहाँ पे भी वो ले पाएंगे। मैं केवल एक दो बिंदु पे कहना चाहूँगा कि एक तो है हमारा अब प्रयास ये है कि जन्म पे जो शिशु, नवजात शिशु है, उसका कैसे शीघ्र जितनी जल्दी आधार बन सके, ताकि 0 और 18 वर्ष के आयु के माध्यम में उनका आधार जितनी जल्द से जल्दी बन सके। इसके साथ हमारा स्वास्थ्य विभाग के साथ MOU हमने किया है, और पिछले महीने से हर हॉस्पिटल में भी ये कार्यक्रम चालू हो गया कि नवजात शिशु को आधार देने के लिए। उसके अलावा डाकिया जो है, हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 10,000 डाकियाँ हैं, डाकियों को भी एक टैबलेट दिया गया है, उस टैबलेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आधार से रिलेटेड सुविधाएं से वो पा सकते हैं। हमारे जो और सेंटर्स हैं वो तो चल ही रहे हैं, और इनके साथ ही आधार सेवा केंद्र का भी शुरुआत इन 4 शहरों में हो रहा है। हमारा फोकस ये है कि किस प्रकार जितनी हम इस्तेमाल आधार को कर सकें, सुविधाओं के साथ उनको ऑथेंटिकेशन कर सकें, उसका हमारा फोकस है। और हमारा जो मैं कहूँगा ईज ऑफ लिविंग, कि जो सामान्य प्रकार से जो जीवित कर रहा है उसको और कैसे हम सरल कर पाएं, उसका हमारा फोकस रहेगा आगामी दिन में आधार को लेकर। मैं इस समय फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने समय निकाल के इस केंद्र इस समारोह में भाग लेने का कष्ट किया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सौरभ सर का महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अब मैं श्री अजय प्रकाश साहनी जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। Chief guest of today's function, Honorable Minister Shri Rajiv Chandrasekhar ji, यहाँ पर उपस्थित CEO UIDAI and Dr. Saurabh Garg और अन्य senior officers जो MIT से और UIDAI से यहाँ पर हैं, 4 शहरों में हमारे साथ जुड़े हुए गणमान्य व्यक्ति, सभी लोग जो VIPs भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 4 शहरों में विधायक गण और मेयर महोदया, अन्य गणमान्य व्यक्तियों को, सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत अच्छा मौका है कि 4 एडिशनल आधार सेवा केंद्र UP में खोले जा रहे हैं। इससे पहले 5 इस तरह के सेवा केंद्र UP में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। पूरे भारतवर्ष में 63 सेवा केंद्र इस तरह के अब ऑपरेशनल हो गए, और आधार अथॉरिटी की तरफ से अब कोशिश रहेगी कि इनको 166 टोटल आधार सेवा केंद्र इस तरह के खोले जाएं, ताकि बहुत से शहरों में इसकी सेवाएं उपलब्ध हो पाएं। इसके अलावा आधार की सेवाएं करीबन 57,000
सेंटर्स हैं, एनरोलमेंट सेंटर्स जो कि बैंक्स द्वारा चलाए जाते हैं, पोस्ट ऑफिसेज द्वारा चलाए जाते हैं, राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं। इनमें इस तरह की सेवाएं ऑलरेडी उपलब्ध होती हैं, लेकिन फिर भी हमने ये महसूस किया है कि शहर में एक आधार सेवा केंद्र होने से एक कंफर्ट का एहसास होता है कि यहाँ पर सभी सेवाएं अच्छी तरह से मिल पाएंगी। और इन केंद्रों का बड़े ध्यान से डिज़ाइन करके और इनमें दिन में 250 केसेस या 500 केसेस या 1000 केसेस तक उनको कार्यरत करने की क्षमता बनाई जाती है और इनको एक कंफर्टेबल तरीके से ताकि लोग जो आएं उनको बैठने की भी सुविधा हो और एक घंटा या एक घंटे से पहले के से कम समय में वो अपना काम पूरा कर पाएं। इस विचार से इस तरह के केंद्रों को, आधार सेवा केंद्रों को डिज़ाइन किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज चार बहुत इम्पोर्टेंट शहरों में इस तरह के केंद्र शुरू किए जा रहे हैं और आगे चल के हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के केंद्र हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर ला पाएँ। मेरी तरफ से UIDAI को अभिनंदन, उनको धन्यवाद कि ऐसा काम आज वो कर रहे हैं और आगे चलकर भी करते रहें। मुझे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका देने के लिए धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद सानी सर, आप हमारे, आपके विचार हमारे लिए मार्गदर्शक बने हैं हमेशा से। अब जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे बीच वाराणसी से माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नारायण जी उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। माननीय श्री सुरेंद्र नारायण जी वाराणसी से। लोगों के बीच में कार्यक्रम में एक बार पहले भारत माँ का जयकारा लगना होता है, उसके बाद वार्ता शुरू होगी। भारत माता की बात अच्छी नहीं है, हमने धीरे से बोला तो इसलिए आप सभी लोग बोलेंगे तो आवाज ऊंची होगी और आप लोग खुद है हमसे भी धीरे से बोल रहे हैं। भारत माता की। आज वाराणसी जनपद बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में, ये बनारस के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे इस आधार सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित इस वाराणसी महानगर की प्रथम नागरिक मेयर मृदुला जैन जी, विधानसभा में लगातार के ही नहीं पूरे बनारस के विकास के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हमारे साथी छोटे भाई सौ श्रीवास्तव जी, आज इस अवसर पर इस सेवा केंद्र के लिए इस डिपार्टमेंट के अभी जिन्होंने प्रथम उद्बोधन दिया हमारे बीच में, डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी, मंत्री स्किल डेवलपमेंट, अच्छा नहीं बोले हैं तो उनका नमोवर था हमने लिख लिया। हमारे बीच में प्रशांत कुमार जी जो उप महाप्रबंधक है उत्तर प्रदेश के, श्री नीतीश सिन्हा जी असिस्टेंट महाप्रबंधक, श्रीमती विदुषी चतुर्वेदी जी महाप्रबंधक,
मुख्यालय। आज वास्तव में वाराणसी के लिए एक नई और महत्वपूर्ण चीज यहां मिला है, क्योंकि अभी तक मात्र 5 जगह पर ऐसे केंद्र सेवा केंद्र थे और 4 केंद्र आज खुल रहे हैं। 4 में ये 9 भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है, लेकिन इसको 6ठा दिया गया है। माने 4 में महत्वपूर्ण स्थान, पहला स्थान आज इस 6ठे वाराणसी आधार सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर जितने भी हमारे बीच में उपस्थित इस विभाग के अन्य साथी हैं और जो भी उपस्थित हैं मित्रों, अभी हम जब यहाँ पर आए तो हमको लगा कि हम लोगों को बोलना उलना नहीं होगा, इसके विषय में बहुत ज्यादा बातें हम आपसे शेयर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हमको लगता है कि सारे लोग आधार कार्ड के महत्व को ज्यादा जानते हैं। निश्चित तौर पर आज हमारे देश में आधार का जितना महत्व बढ़ गया है, ऐसे ही पहले हम लोगों को राशन कार्ड जब मिला करता था तो राशन कार्ड में कहीं भी जाइए राशन कार्ड दिखाइए, एक तरह से वो पहचान कार्ड था हम लोगों का। और आज दुनिया की किसी भी आप जाइए, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपका पहचान निश्चित है। कहीं भी आप रहेंगे, कहां से आ रहे हैं, बनारस से आए, आधार कार्ड है मेरा, ये नंबर है मेरा, ये मैं घर, हमारे पिताजी, हमारे संपूर्ण बातें उसमें लिखी रहती हैं। और उतना तो उसको, और चाहे बैंक है या अन्य जितने भी काम है, सबके लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। अभी छोटे छोटे बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी आधार से जोड़ा गया है। और अभी लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारे जितने भी बैंक के खाते हो या हमारे वोटर लिस्ट में नाम है उसको भी आधार कार्ड से जोड़ा जाए। फर्जीफिकेशन करने का जो वोटर लिस्ट में या अन्य प्रक्रिया थी उसमें निश्चित तौर पर इस आधार कार्ड से कमी आई है। आप अभी किसी दूसरे प्रांत के हैं, वहां वोटर लिस्ट में आपका नाम है और अगर आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में जुड़ गया है तो वहीं, या अगर आप यहां बनना चाहते हैं तो फिर वहां का कटवाइए तब यहां बन पाएंगे, नहीं आप वहां भी रह सकते हैं। अगर आधार कार्ड से आपका नहीं जुड़ा है तो आपको यहां भी वोटर लिस्ट बनने में कोई रोक नहीं पा रहा है। निश्चित तौर पर आज आधार कार्ड का महत्व बहुत बढ़ गया है। सभी को चाहिए कि जिसके भी आधार कार्ड नहीं बने हैं, अपने अपने जिसको भी हम बता सकते हैं कि आवश्यकता है, आधार कार्ड बनाने में भी दिक्कत होती है। अक्सर पहले होता था कि प्रधान जी लिख के दे दिया करते थे, बन जाया करता था, या प्रधानाचार्य दे देते थे, लिख के बन जाता था आधार। अब हमको लगता है कि आधार कार्ड बनाने के लिए भी रोज 2-4 पत्र लिखना पड़ता होगा। हमारे यहाँ तो अक्सर मुहर लगवाने के भैया आप दस्तखत कर दीजिए आधार कार्ड बनवा रहे हैं। हमने कहा कि यार ये तो एक नई समस्या हम लोगों के लिए पैदा कर दिया, दुनिया भर का काम है इसमें आप लोग क्यों नहीं कहते, नहीं भैया वो बताया जा रहा है बैंकों में जहां आधार कार्ड का बनता है वहां से हुआ कि नहीं, विधायक से अपने क्षेत्र में ले आई, हो सकता है मेयर साहब को भी आता हो जानते हैं, लेकिन हम लोगों को तो आती है ये समस्या झेलनी पड़ती है। ये समस्या यद्यपि नहीं है, किसी की मदद करना समस्या नहीं होता है, फिर भी काम में थोड़ी वृद्धि हम लोगों को हो गई है। और निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि आधार केंद्र को यहाँ बन जाने से आधार केंद्र आने वालों को सुविधा तो होगी ही होगी, साथ में आधार कार्ड जिसका भी नहीं बना है उसको बनाने में भी तेजी आ। आज के इस अवसर पर एक बार आप सभी को, विभाग के सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर हमें यहां पर बताया। और हमको लगता है कि सौरभ जी नई बात बताने चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम बता नहीं पा रहे हैं, तो ठीक बातें वो बताए अपनी। अच्छा तो चलिए बाद में सुन लीजिएगा, हम जो नहीं आप सुन पाए हैं वो सुना दीजिएगा आप। आज के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अन्य विधायक जी का अन्य विधायक जी का धन्यवाद, उन्होंने आधार की उन्होंने आधार जनता को जागरूक करने के लिए जागरूक कर
प्रयास जारी हैं उनके। अब मैं वाराणसी से माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी से अनुरोध करता हूं कि वे शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री सौरभ श्रीवास्तव जी। भारत माता की धार सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर, वाराणसी के सेंटर पर उपस्थित माननीय महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक रोहनिया श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी, मेरे साथ जो निरंतर लोगों के आधार बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, ऐसे वाराणसी के पार्षद दल के उपनेता श्री श्यामाश्रय मौर्य, माननीय पार्षद श्री अजय गुप्ता जी, माननीय पार्षद श्री संजय जायसवाल जी, माननीय पार्षद श्री राकेश जायसवाल, वाराणसी के भाजपा के सोशल मीडिया के संयोजक श्री कुशाग्र श्रीवास्तव जी, माननीय पार्षद श्री सिंधु सोनी, इस सेवा से जुड़े सभी अधिकारीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि काशी में इतनी बड़ी सेवा का एक केंद्र खुला, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में खुला और मेरे जनसंपर्क कार्यालय से, और मेरे जनसंपर्क कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर खुला। मुझे याद है एक बार एक पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने बारे में कहा था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं तो नीचे तक आते आते 15 पैसा ही लाभार्थी मिल पाता है, 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है। बड़े गर्व का विषय है कि हम काशी वासियों ने काशी से 2014 में एक सांसद चुनने के स्थान पर सीधे प्रधानमंत्री चुना और वो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तेजी से, पूरी गति से, पूरी रुचि से, पूरी तन्मयता से अधिक ध्यान किसी विषय पर लगाया तो इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर लगाया। उन्होंने तो बीच के लोग थे जो एक रुपया दिल्ली से चलता था और 15 पैसा नीचे पहुंचता था, 85 पैसा जो गायब करते थे, उनको ठिकाने लगाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी रुचि दिखाई, देश के लिए एक बड़ा काम किया। ये जो आधार है ये बहुत बड़ा यंत्र है इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने में। आज देश की विकास की लगभग सभी योजनाओं से, देश के गरीब से जुड़ी लगभग सभी योजनाओं से आधार जोड़ा जा रहा है, जुड़ चुका है और इसी आधार के कारण भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना चलाई, जनधन खाते खुलवाने शुरू किए। उस समय कुछ विरोधी दल के लोग मजाक उड़ाते थे, खाते खुलवाने से क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने खाते खुलवाए, उनसे आधार जोड़ा तो जो गलत लाभार्थी जुड़े थे, जो अपात्र थे, वो बाहर हो गए। जो नए लाभार्थी जुड़े उनको लाभ मिलना शुरू हुआ और एक बहुत बड़े पैमाने पर इस देश से भ्रष्टाचार का समापन हुआ। आज अभी माननीय जी बोल रहे थे कि बहुत समस्या आती है, बहुत कार्यालय में लोग आते हैं। मैं माननीय विधायक जी से बताना चाहूंगा, उस समस्या आपकी समाप्त नहीं हुई है। हम लोग इसीलिए चुने गए हैं कि जो भी लोग आते हैं उनकी जांच करें, उनके प्रमाण पत्रों को, उनके पत्र, जो पत्र आते हैं उनको हम प्रमाणित करें, उसके बाद वो पत्र यहाँ आएंगे। ये आधार सेवा केंद्र खुलने से हमारी जिम्मेदारी कम नहीं होने वाली है, उल्टे और बढ़ने वाली है। बस ये है कि जो लोग हमारे प्रमाणित करने के बाद भी परेशान होते थे, चक्कर लगाते थे, उनकी सहूलियत बढ़ने वाली है। वो बड़े आराम से इस सेंटर में आएंगे, बड़ा ही आधुनिक सेंटर दिख रहा है और बड़े ही आराम से उनका कार्ड बन जाया करेगा। मेरा एक निवेदन है माननीय महापौर जी मेरे बगल में बैठी थी, उन्होंने एक विषय पर ध्यान आकृष्ट कराया कि ये सेंटर ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए। निश्चित रूप से ये सेंटर ग्राउंड फ्लोर ही होना चाहिए था। बड़ी संख्या में बुजुर्ग आएंगे, दिव्यांग आएंगे, उनको दिक्कत आएगी। मेरा निवेदन है
इस लिफ्ट के साथ साथ, मैं लिफ्ट से ही आया हूँ, मेरा निवेदन है कि इस लिफ्ट के साथ साथ व्हील चेयर का प्रबंध और व्हील चेयर के साथ असिस्टेंट का प्रबंध, ये दोनों होना चाहिए। यह है तो बहुत अच्छा है, बड़ी सुविधा मिलेगी लोगों को तक आने में। ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने आपके बताने से मान लिया कि है। तो मैं इस सेंटर के सेंटर जो लोग चलाएंगे उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 200 मीटर पर मेरा कार्यालय है। इस सेंटर को चलाने में यदि किसी तरह की असुविधा दिक्कत आती है तो मैं एक जनसेवक के तौर पर और मेरी पूरी टीम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस सेंटर को सफल बनाएंगे और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसे पूरा करने में अपना पूरा सहयोग। पुनः माननीय मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, उन्होंने ये सेंटर यहां खुलाया। उत्तर प्रदेश में 4 सेंटर पहले से खुले थे, 5 और खुलने जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह का सेंटर हर जिले में होना चाहिए और आगे बढ़कर हर विधान क्षेत्र में होना चाहिए। साइज थोड़ा छोटा हो लेकिन एक सेंटर पूरे शहर में होगा तो बहुत दूर से लोगों को आना पड़ेगा, और छोटे छोटे जगह जगह खुले जिससे लोगों को आसानी। बस यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार सब मिलकर एक साथ बोलेंगे भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद माननीय विधायक जी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाला। अब मैं माननीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे आधार सेवा केंद्रों का उद्घाटन करें। माननीय राजीव चंद्रशेखर जी। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है, हमारा हृदय से धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस उपलक्ष पर हमें मार्गदर्शित करें, कृपया हमें संबोधित करें। माननीय मंत्री जी। श्री सुरेंद्र नारायण जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, मेयर मृदुला जायसवाल जी, श्री रितेश गुप्ता जी, मेरे मंत्रिमंडल के कॉलीग्स अजय सावनी जी, सौरभ गर्ग जी और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत खुश हूं कि आज हम ये 4 आधार सेवा केंद्र इनॉग्रेट कर रहे हैं। 5 आधार सेवा केंद्र हैं ही और उसके साथ ये 4 जुड़ जाएंगे तो 9, और अगले महीने में अगले 30-45 दिन में हम 3 और आधार सेवा केंद्र खोलेंगे और उत्तर प्रदेश में और ये डिजिटल उत्तर प्रदेश में 12 आधार सेवा केंद्र होंगे। मैं जल्दी से आपको मेरे जो थोड़े बहुत विचार हैं आपके साथ शेयर करूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में डिजिटल इंडिया का एक विजन और डिजिटल इंडिया का जो एक रोडमैप तैयार किया था और देश के सामने रखा था, उनके मन में 3 उद्देश्य थे। एक तो टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव लाए, सरलता लाए, और दूसरा टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों में और हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंशन और डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ लाए डिजिटल इकोनॉमी में, और तीसरा हम देश को दुनिया के देशों में टेक्नोलॉजी के एक लीडर बनाकर खड़ा करें ताकि जो हम फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव वर्ल्ड है उनमें हम उसमें भारत एक लीडर होकर उभरे। आप अगर आज हम एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखेंगे, वो जो पहला उद्देश्य था और जिसके बारे में सौरभ जी ने बहुत विस्तार में बहुत अच्छी तरह उन्होंने बात रखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे गवर्नेंस में, हमारे सब्सिडी डिलीवरी में, हमारे जो लोगों के हक थे उसमें इतना एक डीप स्ट्रक्चरल बदलाव लाया है कि जो जब जैसे सौरभ जी कह रहे थे जो
पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि दिल्ली से जो एक रुपया निकलता था 15 पैसे पहुंचते थे लाभार्थी के हाथ में या अकाउंट में, आज वो 1 रुपया या 100 रुपये पूरे के पूरे बेनिफिट्स राइट्स पहुंचता है एकदम इंस्टेंटेनियसली और बिना कोई लीकेज, बिना कोई करप्शन और बिना कोई मिडिलमैन। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है और हमने कर दिखाया है दुनिया को कि आधार और जनधन योजना जैसे एक प्लेटफॉर्म के तहत टेक्नोलॉजी कैसे लोगों के लाइफ में, लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। ये टेक्नोलॉजी का जो नरेटिव होता था कि एक बड़ा कंपनी है बेंगलोर में या दूसरा कंपनी है हैदराबाद में, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का नरेटिव जोड़ दिया है लोगों के लाइफ के साथ। और ये मैं मानता हूँ कोई छोटी चीज़ नहीं है और हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों के लाइफ में और हमारे डेमोक्रेसी और गवर्नेंस में कैसे बदलाव लाए। आप सब जानते हैं कि हम ये जो 19 महीने कोविड के द्वारा कोविड के कारण जो हमारे लाइव्स और लाइवलीहुड्स में डिसरप्शन आया था, कैसे टेक्नोलॉजी के कारण देश, हमारे देश, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स सभी हम रेजिलिएंट रिस्पॉन्स कर सकते थे। अगर ये टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते 2014 में, आप जरा सोचिए, अगर हम प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया नहीं करवाते 2014-15 में और आज हम कोविड के इस महामारी के साथ हम लड़ रहे होते तो हमारा क्या सिचुएशन होता, यही आप सोचकर समझ सकते हो कि कितना एक अहम डिसीजन था डिजिटल इंडिया का और कितना अहम हमारा एक प्रोग्रेस है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का जो मूवमेंट है। मैं ज़्यादा इसको एलैबोरेट नहीं करूँगा, बट सब्सिडी डिलीवरी, कोविन पोर्टल, यूपी में 18-19 करोड़ वैक्सीनेशन हुए हैं, इसके सब टेक्नोलॉजी का बैकबोन पे हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में एक 1.5 लाख CSE सेंटर्स हैं जिन्होंने भी वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी मदद किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने स्थापित कर दिया है कि लोगों के जो जीवन में बदलाव और सरलता हम टेक्नोलॉजी के द्वारा ला सकते हैं। दूसरा, ये एक मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2014 में कि हम टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे युवाओं के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएंगे, डिजिटल इकोनॉमी में जॉब्स और इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। और मैं मानता हूँ ये यूपी में एक मोमेंटम बढ़ रहा है, जो हम 5-6 साल पहले सोचते थे कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम में कॉन्सेंट्रेटेड थे ये अपॉर्चुनिटीज़, आज ये बड़ा साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश भी इस डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश के कारण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और स्टार्टअप्स के लिए। मैं आपके साथ शेयर करूं, एक 10-15 दिन पहले मेरे साथ यहां पे मिनिस्ट्री में 8-10 कंपनीज आए थे सिंगापुर और कोरिया से, और मैंने उनसे पूछा आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, आप कहाँ पे फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं, सेंटर कहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। ये अगर मैं 10 साल पहले पूछता उनका आंसर होता बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, और आज के दिन वो कहते हैं हमें जाना है उत्तर प्रदेश, हमें जाना है गौतम बुद्ध नगर। तो ये जो 5 साल में उत्तर प्रदेश के प्रगति ने एक बदलाव लाया है, मैं मानता हूं अगले आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश बनेगा एक बहुत ही अहम इन्वेस्टमेंट हब टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो हम जब बात करते हैं कि 5 एयरपोर्ट होंगे उत्तर प्रदेश में, हम जब बात कहते हैं कि रोड के कनेक्टिविटी बन रहा है उत्तर प्रदेश में, हम जब कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में, इस सब मिल मिला के इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन में डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का जो प्रॉमिस है ये भी साकार होगा और ये बहुत ही इसका बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज, मैं सबको सभी 4 सेंटर्स में, 4
जो लोग असेंबल हुए हैं उनको सब मैं आप धन्यवाद और शुभाष, हमारे साउथ इंडिया में कहते हैं शुभाष गुरु, यानी कि कहते हैं हिंदी में उड़ीसा वो ब्लेसिंग गुडविल। अच्छा मैं हार्दिक शुभकामनाएं, हाँ हम शुभाष गुरु कहते हैं साउथ इंडिया में, शुभकामनाएं देता हूं सबको। और मैं यही आशा करता हूं कि ये जो डिजिटल इंडिया का, डिजिटल उत्तर प्रदेश का ये जो चला है हमारे मोमेंटम, इस ये बढ़ते रहे और हम उत्तर प्रदेश में डिजिटल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एक कंपोनेंट बनाएं आने वाले सालों में। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। माननीय मंत्री जी का हमारे मार्गदर्शन करने के लिए सारे दय धन्यवाद करता हूं। हालांकि माननीय मंत्री जी समय के अभाव के कारण इस कार्यक्रम को उन्हें चाहते नहीं हैं वे कभी भी, लेकिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पार्लियामेंट जाना है, लेकिन ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर रहें। अब मैं माननीय मैं अब श्रीमती श्रीमती मृदुला जायसवाल जी जो मेयर हैं वाराणसी की, उनका स्वागत करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करें। काशी पावन क्षेत्र में आधार सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मैं राज्य मंत्री राजेंद्र शेखर जी का और हमारे विधायक भाई सौरभ श्रीवास्तव जी का, सुरेंद्र सिंह जी का और पार्षद दल का, और इसके साथ साथ इस आधार सेवा केंद्र से जुड़े हुए सभी जो भी रोगी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है डिजिटल इंडिया, एक सोच, एक ईमानदार सोच, जिसके तहत 2010 में एक आधार कार्ड का प्रचलन शुरू हुआ। आज 11 साल में 99% लोगों की आधार, इस आधार कार्ड के अवसर पे जो आप लोग देख रहे हैं, एक आधार बन गया है। भारतीयता की पहचान है आधार कार्ड, ये हम सभी जानते हैं। किसी भी सरकारी योजनाओं को अगर हमें उसका लाभ प्राप्त करना, तो इस आधार कार्ड से ही संभव हो सकता है। चाहे हम वोटर आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे बच्चों के लिए आप बैंकों में आप एक अकाउंट खुलवाना चाहो, मतलब इसी से शुरुआत होता है। मुझे लगता है कि इसी से खत्म भी होगा। जब डेथ सर्टिफिकेट बनता है तब भी आधार की जरूरत पड़ती होगी, और जन्म भी होता है तब भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। तो एक शुरुआत से लेकर अंत तक कार्ड की जो महत्ता है वो सभी जान रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं या उसका आवेदन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस सेवा केंद्र के खुलने की वजह से ये बहुत सहयोग प्राप्त होगा। अभी इसको मैंने पेपर में पढ़ रहे थे, इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं आवेदन, वो आकर के यहाँ के विंडो से करें। एक हेल्प डेस्क भी बना हुआ है। हमारे शहर में बहुत सारे सिंपल लोग हैं जो शायद मोबाइल नहीं ऑपरेट करते, उनके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। और एक घंटे के अंदर सारे प्रोसेस को करके आधार कार्ड आपके हाथ में दे देना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले तो प्रोसीजर में लगना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, आधार कार्ड बनता था। मोदी जी की सोच को योगी जी ने आगे अग्रसित भी किया और इसका स्वरूप आप देख रहे हैं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में 9 शहरों में ये आधार सेवा केंद्र खुल गया। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चंद्रशेखर जी ने अभी कहा भी है कि मैं कोशिश करूंगा कि पूरे यूपी के पूरे शहरों में आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं आपको भी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, जिन्होंने ये आधार सेवा केंद्र हर शहर में खोलने की योजना बनाई है। धन्यवाद।
धन्यवाद मैम। अब मैं माननीय विधायक मुरादाबाद से श्री रितेश गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। मुरादाबाद से माननीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी। आधार सेवा केंद्र मुरादाबाद के उद्घाटन समारोह में इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजीव चंद्रशेखर जी, मुरादाबाद के मेयर आदरणीय विनोद अग्रवाल जी, मुरादाबाद के डीआरएम साहब, मुरादाबाद के एसएसपी श्री बबलू कुमार जी, डॉक्टर नील जैन जी आईआरएस, मुरादाबाद में आधार सेवा केंद्र के सभी सम्मानित अधिकारीगण कर्मचारीगण, मुरादाबाद के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुरादाबाद को आज प्रदेश के चार शहरों में स्थान दिया गया। मुरादाबाद में आधार सेवा केंद्र की बहुत सख्त आवश्यकता थी। मेरे जनसंघ कार्यालय पर रोजाना काफी लोग नए आधार कार्ड बनवाने के लिए या करेक्शन के लिए आते हैं। मेरे द्वारा प्रमाणित करके पत्र जारी किया जाता है, वो लोग बैंक में जाते हैं और डाकघरों में जाते हैं जहाँ पे उनको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। मेरे पास सिफारिश के लिए फोन आते थे कि आप बैंक में फोन कर दिए, हमारा नंबर जल्दी लग जाए। अब मुरादाबाद में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन आज हो चुका है, तो जो असुविधा मुरादाबाद की जनता को होती थी वो असुविधा अब नहीं होगी। इसके लिए मैं हमारे माननीय मंत्री जी श्री राजीव चंद्रशेखर जी को और मंचासीन सामने बैठे अधिकारीगणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुरादाबाद को इसके लिए चुना। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आधार कार्ड भारतवर्ष में भ्रष्टाचार को खत्म करने का बहुत बड़ा आधार बना है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने का काम किया है। आज इस अवसर पे मैं पुनः सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं माननीय विधायक गोंडा से श्री प्रतीक भूषण सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। गोंडा से माननीय विधायक श्री प्रतीक भूषण सिंह जी। हम लोगों ने 80 लाख गरीबों को उधार देना है।
अनुरोध है कि आपसे पंक्ति में पहले हुए आठ के व्यक्ति पर हमारी सरकार आधार के माध्यम से आधार को जानित करते हुए पहुंचाने का काम किया। आज भारत का काम नागरिक हो या गोंडा के काम से नाम हो या कि कोई भी आंगनबाड़ी शिकायत करती हो वो अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर और जो सरकार की बहुत सारी स्कीमों में कोई दिव्यांग हो कोई बीमार हो कोई एमरजेंसी हो आयुष्मान भारत के कार्ड का लाभ लेना चाहता हो जब वो देखता है कि उसको कार्ड की वजह से कितनी सारी सुविधाएं मिल रही है वो बैंक खाते से लेकर अस्पताल तक स्कूल से लेकर पासपोर्ट तक हर जगह आधार की वजह से जो सुविधा मिल रही है तो निश्चित ही उसका सेवा करने पर हमको बहुत अच्छा होता है। आधार की सुविधा प्राप्त हुआ है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने स्थिति को सुना और यहाँ पर हजारों की संख्या में बढ़ गए लोग अपना कार्ड बनवा सकते हैं और कार्डों में अपना संशोधन करा सकते हैं और लोगों में जागरूकता फैले इसके लिए हम लोग सजग तत्पर रहेंगे। मैं पुनः आदरणीय योगी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ इससे मीडिया के साथ साथ सपने को जो माननीय योगी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा बात है। मैं भविष्य में आधार कार्ड के और सारी स्कीमों को भी देखता हूँ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गए पासपोर्ट हो गए अभी हम लोग क्या नए फॉर्म पास में कल पार्लियामेंट से मोटी साइज से मिला ही जाएंगे आने और भविष्य में हम लोग को उम्मीद है कि जो बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड है वो भी आधार कार्ड को भविष्य में जोड़े जाने की सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं साधन करना चाहता हूँ मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय योगी जी को नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ। मैं आदरणीय जी हमारे जनशिक्षा दिशा में हमेशा हृदय धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यूपी के डिजिटल मिशन को आगे बढ़ाने के हमारे जिले को बहुत आगे बढ़ा इसके मैं अवसर का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। यूएसपीएस के यहाँ कोटा के सभी कर्मचारी बंधु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप मेहनत करके यहाँ पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कमजोर धन्यवाद माननीय विधायक जी। हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है कि श्री विनोद अग्रवाल मेयर मुरादाबाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। श्री विनोद अग्रवाल जी मेयर मुरादाबाद। धन्यवाद। डिजिटल इंडिया डिजिटल उत्तर प्रदेश नए भारत का निर्माण नए उत्तर प्रदेश का निर्माण सोच ईमानदार काम दमदार। मोदी जी ने एक स्वप्न देखा कि हर व्यक्ति देश का गांव का गरीब से गरीब अपने जनधन खाते के द्वारा और अपने आधार के द्वारा अपनी एक पहचान जिसमें कहा है कि मेरा आधार मेरी पहचान। आज एक कल संसद में बिल पास हुआ कि को भी आधार से लिंक करने का एक बहुत अच्छी सोच है। इससे पूरे देश पूरा भारत एक होगा एक आधार से एक वोट से एक लोकतंत्र से एक प्रजातंत्र से। ये जो डिजिटल इंडिया के द्वारा जोड़ने का काम किया जा रहा है आज गांव गांव में घर घर में मोबाइल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का आज उदाहरण है। मेरा भारत मेरा देश आगे बढ़ रहा है और अपने युवाओं के हाथ में भारत की डोर हो और युवाओं के हाथ में अपना इलेक्ट्रॉनिक का आईटी का जो नए चीज है कंप्यूटर का युग आ चुका आगे इलेक्ट्रॉनिक में देश दुनिया के अंदर अपने आप में सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त है। सुंदर भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुरादाबाद में आपने इसका आधार का केंद्र खोला उसके लिए माननीय मंत्री जी का भी आभार
और यहाँ के सभी अधिकारियों को, स्टाफ को, सबका धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद माननीय मेयर जी। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री राजीव चंद्रशेखर जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस समारोह की अध्यक्षता की। मैं वाराणसी से श्री सुरेंद्र नारायण जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, श्री विनोद अग्रवाल जी मुरादाबाद से, श्री प्रतीक भूषण सिंह जी गोंडा से, श्री रितेश गुप्ता जी गोंडा से, इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का सहृदय धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय श्री अजय प्रकाश साहनी जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डॉक्टर सौरभ गर्ग जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, एवं श्री शैलेंद्र सिंह जी तथा श्री आलोक शुक्ला जी, उप महानिदेशक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तथा अन्य गणमान्य सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम मैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से सभी सम्माननीय सदस्यों का यहाँ उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। यह हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जहाँ हम आधार के एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज 4 आधार सेवा केंद्रों वाराणसी, गोंडा, सहारनपुर एवं मुरादाबाद का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, उनके कीमती समय तथा उनके मार्गदर्शन का सहृदय धन्यवाद देता हूं। हम आपके दिशा निर्देशों से अत्यंत प्रभावित हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले समय में आधार सेवाओं को और विस्तारित कर सकें। मैं श्री अजय प्रकाश साहनी जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, डॉक्टर सौरभ गर्ग जी तथा अन्य अधिकारीगण का एवं गणमान्य व्यक्तियों का हमारे साथ जुड़ने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम आप सभी को ये भरोसा दिलाते हैं कि आधार सेवा केंद्र आधार सेवाओं को लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब हम वीडियो मीटिंग का समापन करने जा रहे हैं। हम UIDAI के स्थानीय प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हैं कि वे संबंधित आधार सेवा केंद्रों में स्थानीय कार्यक्रम को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।